सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोमेडिक। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, वो है ऑक्सी एसिड। ये टॉपिक आज से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आता, और जिनको समझ भी आता है तो वो स्ट्रक्चर बना के इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बहुत टाइम चले जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में भी पूछा जाता है और टेस्ट सीरीज में तो पूछा ही पूछा जाता है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये आते ही आते हैं कि बताओ, जैसे मान लो H2P4O6 है, इसमें बताओ किस टाइप की लिंकेज है, PP लिंकेज है, POP लिंकेज है, POOP लिंकेज है। तो आप स्ट्रक्चर बनाने बैठोगे, फिर करोगे, किसी को वैलेंसी याद नहीं है तो उसका गलत तो होना ही है। तो मैं इस टॉपिक पे ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, और ये टॉपिक आप, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, तो आप देखना। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको भी ये ट्रिक मालूम हो, और वो भी ये इनऑर्गेनिक का ये वाला टॉपिक, ऑक्सी एसिड वाला, जिसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे भी ये तकलीफ होती थी, तो ये जल्दी से ईजिली वो हो जाए सॉल्व उनसे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑक्सी एसिड, जैसे एग्जाम्पल H2P4O6 या H2P4O6 या H2S2O6, तो इस टाइप के सल्फर और ऑक्सीजन के, और वो सल्फर और फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड पाए जाते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बताओ H2S2O6 है, इसमें किस टाइप की लिंकेज है, OOPP क्या। तो मैं आपको एक जनरलाइज फार्मूला बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए एक कोई NaN है, X2O6-2 टाइप, ठीक है, जिसमें X क्या है, X कैन बी फोस्फोरस और सल्फर। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों ही जो एलिमेंट है उनकी ऑक्सी एसिड हमारे सिलेबस में है। तो इसका पूरा कंपाउंड क्या बनेगा, H2X2O6, ठीक है, ऐसे मान लिया, क्योंकि ये एनायन पार्ट है और मैंने इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल दिए, इसलिए मैंने इसको X2O6-2 बोल दिया। तो अब ध्यान से सुनिए, ये मैं आपको टेबल लिखवा रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, उसके बाद आपको जो भी डाउट होगा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक चीज़। अब मान लीजिए X2O6 है, उसमें जो लिंकेज होगी वो होगी XX, मतलब कोई भी ऑक्सीजन बीच में नहीं होगा, कोई भी ऑक्सीजन बीच में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी H2P2O6 है, तो इसमें PP डायरेक्टली जुड़े होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि P2 या मतलब X2O3 X2O4 X2O5 X2O6 तक जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे, उसमें डायरेक्टली एटम एक दूसरे से जुड़े होंगे, बीच में ऑक्सीजन नहीं होगा। फिर X2O7-2 टाइप के जितने भी ऑक्सी एसिड हैं, भले सल्फर के हो या फोस्फोरस के हो, वो जुड़े होंगे XOX टाइप की लिंकेज से, मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, बीच में एक ऑक्सीजन होगा, ब्रिजिंग ऑक्सीजन। फिर उसके बाद एक तीसरा है X2O8-2, इस टाइप का ऑक्सी एसिड, इसमें जो दो एटम होंगे वो दो ऑक्सीजन के जरिए एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब S2SO5 ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है, मैं इसलिए बताता हूँ, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि X2O6 तक जितने भी ऑक्सी एसिड है वो डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े होंगे बिना ऑक्सीजन के, है ना। लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी होता है कि ये एक दूसरे से XOX टाइप की लिंकेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो बार ऑक्सीजन आ रहा है बीच में, XOOX टाइप की लिंकेज, ठीक है। अब इसके एग्जांपल, अब आपको समझ आ गया, अब इसके एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। H2SO3 ये एक हमारा कंपाउंड है। अब उसमें उन्होंने पूछ लिया, बताओ इसमें SS डायरेक्टली बॉन्डेड है कि नहीं। अब आप सोचोगे, मैंने सीधे बता दिया कि H2O6 तक जितने भी एटम हैं H2SO5 को छोड़ के सब डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे, तो आप बोलोगे हाँ इसमें डायरेक्ट SS बॉन्ड प्रेजेंट है। अब H2S2O4 हाँ इसमें भी डायरेक्ट SS बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि O6 तक बात हुई थी। तो H2S2O5 इसमें डायरेक्ट SS बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ इसमें भी प्रेजेंट है, क्योंकि H2S2 जितने भी X2O6 तक है उसमें डायरेक्टली SS जो दो एटम हैं भले ही फोस्फोरस के, वो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। अब नेक्स्ट X2S2O6, ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, ये सब हो गया। और ये कोई सल्फर का होगा, 7-7 वाला H2S2O7, उसमें एक बॉन्ड आ जाएगा और X2O1 ऑक्सीजन आ जाएगा, और 8 वाला है तो दो ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो बहुत ईजी है, इसको जनरलाइज कर लीजिए, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, समय वमय सबकी वो है, और आप सारा अच्छे से कर पाएंगे। अब एक और, बस एक आखिरी, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसका, उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका अलग है, इसलिए लोग नहीं कर पाते। H3O9, बस इसका स्ट्रक्चर और याद कीजिए, इसके बाद ऑक्सी एसिड का सारे क्वेश्चन आपसे निकल जाएंगे। H3O9 का क्या होता है, ये
इसका स्ट्रक्चर बस एक याद कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये बना रहा हूं मैं आपके लिए, स्ट्रक्चर बना रहा हूं स्क्रीन पर, आप देखिए इसका ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर से बनेगा। इसमें अभी ऐसे मुझे कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन, कितने डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है, कितने सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, H3 होना है, ये ट्राइमर बनाता है। तो ये इस पेज पे आपका पूरा सम अप कर दिया मैंने, ऑक्सी एसिड जितने भी मुझे क्वेश्चन प्रॉब्लम आती थी वो सारा सबका सोल्यूशन बस इस पे। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको भी पसंद आई तो मेरे चैनल मेडिको मेडिक को लाइक किए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सब्सक्राइब, ताकि जैसे ज़्यादा लोगों को पता चले और उनकी जो ये प्रॉब्लम है एकदम खत्म हो गई। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरी और वीडियो देखते रहेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।